हाय दोस्तों, मैं आपके क्रिएटिव जिलानी। ये वीडियो में आके गेस्ट और चूल्हे में हमने को आंच कम आया, तो आपको शॉर्टकट में आपको आसान से एक छोटा सा पिन से आप रिपेयर कर सकते हैं। 5 सेकंड में रिपेयर कर सकते हैं। सब छोटा पिन से आपको 5 पिन से रिपेयर करा तो रिपेयर हुआ, नहीं तो दूसरा तरीका भी आपको दिखाता हूँ, उसको भी 5 सेकंड में आप रिपेयर कर सकते हैं। कैसे रिपेयर करना आपको दिखाता हूँ, देख लेना। आपका गैस स्टोव आपको स्टील का हंदे, नहीं कर तो आप ग्लास का गैस स्टोव भी हंदे, कोई गैस स्टोव भी आप आसान से आपको 5 सेकंड में रिपेयर कर सकते हैं, देख लेना। दोस्तों एक बार प्रॉब्लम दिखाता हूँ स्टोव में आपको, देख लेना। बड़े चूल्हे में हमने आंच कम आती है, छोटे चूल्हा परवाह नहीं अच्छा, देख लेना। फुल में रखे हमें गैस, आंच नहीं काम कर रहा। छोटा चूल्हा देख लेना फुल में है, ये भी फुल में है, ये नहीं काम कर रहा। इसको हमें शॉर्टकट में हमें छोटा पिन होता ना, नॉर्मल पिन हमें घर में इस्तेमाल करते ना, ये पिन से हम रिपेयर करेंगे। 5 सेकंड में रिपेयर हो जाता। एक छोटे पिन से आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं सका, आपको आसान से रिपेयर कर सकते हैं आप गैस स्टोव चूल्हे को। पहले आपको गैस स्टोव आप रिपेयर करते जब क्या करते हो, सेफ्टी के लिए क्या करते थे, गैस सिलेंडर रेगुलेटर था ना, रेगुलेटर बंद कर देना। रेगुलेटर बंद कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेफ्टी हमने को ध्यान रखना। गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दिया मैं, आप क्या करते करता बाद में आप गैस स्टोव के ऊपर सामान होता ना ये निकाल देना। आप गैस स्टोव का आप सामान उठा के बाद इसको हमें उल्टा सुला देना। अब हमने गैस स्टोव में हमने को आंच कम आती है बड़े चूल्हे में, इसको क्या करते करते हमने को एक गैस पाइप, हमने को एक गैस पाइप में से हमने को गैस बल्ब नहीं आ रहा, उसके लिए हमने क्या होता है डस्ट अटक खाता, कोई तो चुनबी है डस्ट अटक खाता, उसको क्लीन करना। हमें क्लीन करने के लिए हमें छोटा पिन हम इस्तेमाल करेंगे, पिन से है ना बंडल सेट है ना, इसके तले हमने को नीचे साइड हमने को एक छोटा पिन होता हमने को होल होल ब्लैक होया खाता, दिखा तो देख लेना आपको अंदर नट दिखते हैं ना, नट के अंदर होल है ना, ये होल क्या होता है ब्लैक होता है। एक बार होल को हमें क्लीन करना, इसको क्लीन करने के लिए आसान तरीका पिन से क्लीन कर सकते हैं आप, बाद में हम लोग आंच फुल आ जाता। ये पिन का आप यू शेप में फोल्ड करना, आप यू शेप में फोल्ड करते आसान सा रहता आपको क्लीन करने के लिए। ऐसे आप यू शेप में फोल्ड कर लेना। आपको कैसे रिपेयर करना है दिखा तुम्हें, बड़ा चूल्हा भी हंदे छोटा चूल्हा भी हंदे, आप आसान से रिपेयर कर सकते हैं, देख लेना। अंदर होल में हमारा नट दिखता है, नट के अंदर होल है ना, पिन से आप होल में घुसा के आप 2-3 बार ऐसा निकाले तो बस बाहर को अंदर को आसान से क्लीन होता है डस्ट। आपको नॉर्मल जैसा आंच आया था ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा देख लेना, आप रिपेयर हो गया। अब आंच नॉर्मल से आया था, पिन टूटना नहीं। ओके, ऐसा आप एक छोटा पिन से आप शॉर्टकट में रिपेयर कर सकते हैं आप। अब दो मैं टिप्स, आप क्या करते करो तो ऐसे पिन से आप क्लीन करे बाद आसान से रिपेयर हो जाता। कभी तक आपको ऐसे पिन से क्लीन करे बाद रिपेयर नहीं होगा करना, उसको और एक तरीका क्या करते हो, आप क्या करते हो गैस सिलेंडर को रेगुलेटर ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप ऐसा ऑन कर लेना, ऑन करने के बाद क्या करते करो देख लेना। हम गैस स्टोव का हम गैस ऑन करते ना, फ्लग होता ना, ये फ्लग क्या करते करो 3 बार ऑन कर ऑफ करना। ऐसा करते क्या होता करो पाइप में डस्ट का अटक जाता, क्लीन हो जाता। आप 3 बार ऑन करेंगे हमें, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। गैस ऐसा थोड़ा वेस्ट गया था, आपको डस्ट भी क्लीन हो जाता अंदर का भी। ऐसा 2-2 सेकंड रखो, हाफ कर देना, क्या होता है डस्ट पूरा पाइप में पूरा क्या था बाहर का आया था। अब रिपेयर हो गया, चालू कर लेना। एक आपको डस्ट अटक को है फिर नहीं काम करेगा तो ये पिन है ना, और एक बार आप क्या करते हो डस्ट क्लीन कर लेना ऐसा अंदर रखो पिन से। आप जब आपका रिपेयर पूरा हो जाता जब डस्ट आपको 5 सेकंड में रिपेयर कर सकते हैं आप, कोई आपको अमाउंट रखना जरूरत भी नहीं। आपको सिंपल ट्रिक दिखाई मैं आपको, आप क्या करते हैं हमें लास्ट समय सामान रख के सेट करके ऑन करके दिखा देते मैं आपको चूल्हा। ओके दोस्तों रिपेयर हो गया, आप चेक करके दिखा देता हूँ। अब हमें बड़ा चूल्हा अपना प्रॉब्लम है ना, आप देख लेना। रेगुलेटर भी ऑन कर दिया मैं सिलेंडर का, देख लेना फुल हमने ऑन चला है हमने को, इधर भी चला दिखा देता हूँ ऐसा। 2 बटन भी देख लेना फुल हमने ऑन है, पहले हमने इतना नहीं था, अब हमने आंच फुल आता है देख लेना। ऐसा छोटा पिन से आप कोसा चूल्हा भी रिपेयर कर सकते हैं आप, ग्लास का गैस स्टोव होंगे स्टील का गैस स्टोव होंगे, छोटा पिन से रिपेयर कर लेना। 5 सेकंड में रिपेयर होता है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता आपको, देख लेना दोस्तों। ऐसे शॉर्टकट में आप रिपेयर कर लेना, आप बहुत ईजी से रिपेयर हो जाता है आपको गैस स्टोव चूल्हा, आपको कोई चूल्हा भी होंगे आप ऐसे रिपेयर कर लेना, कोई ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, देखते रहे ऐसे क्रिएटेड। इसमें फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।